चाहे अक़्वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा लें, इलेक्शन बर वक्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पत्थर पर लिखा है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ऐसा तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन लाहौर में काम करवाने की जितनी ज़रूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजकल एक जमात उम्मीदवारों की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हुए थे। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज के बाद बानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए आएगा। उमर नियाजी को तौहीनी अदालत का नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देंगे कि उम्मीद है अदलिया नोटिस वापस लेगी। सेनेट से मंजूर की गई करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पंजाब में पीटीआई के 1195 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्तरदशुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीले ट्रिब्यूनल सुनेगा। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा। जवाब में कहा गया कि कागजात नामजदगी की मंजूरी का मजमू तनासब 85% के करीब रहा है।